हेलो बच्चों बच्चों, आज हम क्लास 10 है ना कि जो इंग्लिश की सेकंड बुक है बेटा, रेजोल्यूशन है ना। रेजोल्यूशन यानी क्या होता है? संकल्प होता है वैसे, ठीक है ना। तो ये आपकी क्लास 10 की सेकंड बुक है, ठीक है ना। रेजोल्यूशन, इसका हम फर्स्ट लेसन करेंगे है ना। और ये बहुत ही प्यारा लेसन है, फर्स्ट लेसन। इसका नाम है द थीफ्स स्टोरी, है ना, एक चोर की कहानी। और ये लिखी है बच्चों, देखो बेटा, रस्किन बॉन्ड ने, है ना। ये देखो, रस्किन बॉन्ड है ना, एक बहुत बड़े राइटर हैं, उन्होंने लिखी है। ये बहुत प्यारी कहानी है, तो मैं इसको आपको पढ़ के सुनाता हूँ और आप इसको एंजॉय करोगे, ठीक है ना बेटा। बहुत ही प्यारी कहानी है ना। इसमें क्या है, दो पात्र हैं है ना, एक है अनिल और एक है हरी सिंह, है ना। तो हरी सिंह जो है ना बेटा, एक लड़का है, किशोर है, ठीक है ना। और अनिल जो है वो उससे थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। तो हरी सिंह क्या है, चोर है एक्चुअली में, वो लड़का चोरी करता है, ठीक है ना। और वो अनिल के यहाँ नौकरी करने लग जाता है, ठीक है ना। तो उसकी ये एक प्यार भरी दास्तान है ना, उसके हृदय परिवर्तन की, हरी सिंह के हृदय परिवर्तन की। तो द थीफ स्टोरी, चोर की कहानी। आई वॉज स्टिल ए थीफ, मैं अभी भी एक चोर था। वेन आई मेट अनिल, जब मैं अनिल से मिला। तो ये मेट, MEET, मीट की सेकंड फॉर्म है ना। जब मैं अनिल से मिला तब भी मैं चोर था, है ना। आई वॉज स्टिल ए थीफ वेन आई मेट अनिल, मैं अभी भी चोर था जब मैं अनिल से मिला। एंड दो आई वॉज ओनली 15, और यद्यपि मैं कितने वर्ष का था, 15 वर्ष का था, है ना। तो जो हरी सिंह है वो कितने वर्ष का था उस समय, 15 वर्ष का था, 15 वर्ष का एक लड़का था। आई वॉज एक्सपीरियंस्ड, यानी मैं 15 वर्ष का होने के बावजूद भी एक अनुभवी, है ना। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड, मैं एक अनुभवी एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, है ना। और फेयरली सक्सेसफुल हैंड का मतलब होता है हाथ साफ होना, है ना। अब चोर के हाथ साफ होने का मतलब थोड़ी, कोई हाथ साफ मतलब उसके हाथों में गंदगी नहीं जम रही, इसका मतलब ये है कि उस अपने चोरी के काम में वो कैसा था, कुशल था, उसका हाथ क्या था, साफ था चोरी के काम में। तो आई वॉज स्टिल ए थीफ वेन आई मेट अनिल, मैं जब अनिल से मिला उस समय भी मैं चोरी के काम करता था। एंड दो आई वॉज ओनली 15, और यद्यपि मैं केवल 15 वर्ष का था, फिर भी आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, मैं काफ़ी अनुभवी और अपने काम में क्या था, बहुत अच्छा था, अपने चोरी के काम को मैं बहुत बखूबी कर लेता था। यानी मेरा चोरी के काम में अपना, मेरा हाथ क्या था, साफ था। अनिल वॉज वॉचिंग ए रेसलिंग मैच, अनिल एक कुश्ती का मैच देख रहा था, रेसलिंग मैच यानी कुश्ती का मैच, है ना। वेन आई अप्रोच्ड हिम, जब मैं उसके पास पहुंचा, अप्रोच यानी पहुंचना, तो जब मैं उसके पास पहुंचा, अनिल कुश्ती का मैच देख रहा था। ही वॉज अबाउट 25, वो कितने वर्ष का था, 25 वर्ष का, है ना। तो देखो 10 वर्ष का अंतर है इन दोनों में। तो अनिल जो है वो 25 वर्ष का था। ए टॉल, एक लंबा, लीन पतला दुबला फैलो इंसान, तो वो एक लंबा और थोड़ा सा पतला दुबला इंसान था। एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, और वो ईजी गोइंग प्रतीत होता था। ईजी गोइंग का मतलब बस हाँ ठीक है ना, बस कोई ज़्यादा हाय तौबा नहीं, बस आराम आराम से काम करने वाला, है ना, बिल्कुल जैसे होता है ना अलमस्त, वैसा था वो। एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, और वो ईजी गोइंग दिखाई दे रहा था। काइंड एंड सिंपल इनफ, दयालु और साधारण भी दिखाई दे रहा था, पर्याप्त साधारण। इफ इनफ का मतलब होता है पर्याप्त साधारण दिखाई दे रहा था। फॉर माई पर्पज, जो कि मेरे काम के लिए उपयुक्त था, है ना, जो कि मेरे काम, क्योंकि चोर को तो ऐसा ही आदमी चाहिए ना, जो कैसा हो, इजी गोइंग हो, है ना, केयरलेस टाइप हो, है ना, और दया भी रखता हो, और कैसा हो, सरल हो, सरल स्वभाव का हो। आई वॉज श्योर, मैं निश्चिंत था। आई वुड बी एबल टू विन द यंग मैंस कॉन्फिडेंस, कि मैं समर्थ होऊंगा इस नौजवान का विश्वास जीतने में, कि मैं, मुझे पूरा विश्वास हो गया कि मैं अब इस नौजवान का कॉन्फिडेंस जीत लूंगा, मैं इसका भरोसा जीत लूंगा। यू लुक ए बिट ऑफ ए रेसलर योर सेल्फ, आई सेड, मैंने कहा, है ना, हरी सिंह ने कहा।
यू लुक ए बिट ऑफ रेसलर योर सेल्फ, तुम कुछ पहलवान जैसे दिखाई देते हो। रेसलर, रेसलर का मतलब क्या होता है? पहलवान, है ना। तुम कुछ बिट का मतलब कुछ दिखाई देते हो पहलवान जैसे, तुम स्वयं कुछ पहलवान जैसे दिखाई दे रहे हो। मैंने कहा, ए लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। फ्लैटरी का मतलब होता है चापलूसी, है ना, मीठी मीठी बातें करना, चिकनी चुपड़ी बातें करना। तो थोड़ी बहुत जो चापलूसी होती है वो दोस्त बनाने में क्या करती है? मदद करती है। तो इसलिए उसने चापलूसी भरे शब्द अनिल को कहे। सो डू यू, ही रिप्लाइड। उसने उत्तर दिया, हाँ तुम भी लग रहे हो। उसने क्या कहा? तुम भी कुश्तीबाज जैसे लग रहे हो, तुम भी पहलवान लग रहे हो। विच पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट, जिसने मुझे थोड़ी देर के लिए क्या कर दिया? पटरी से उतार दिया, है ना। बिकॉज, क्योंकि एट दैट टाइम, क्योंकि उस समय आई वॉज रादर थिन, क्योंकि मैं भी कैसा था? पतला दुबला ही था। ठीक है। वेल, अच्छा, आई सेड मॉडेस्टली, मैंने नम्रता से कहा, आई डू रेसल ए बिट, मैं कभी कभी कुश्ती कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत कुश्ती कर लेता हूँ। तो ये हरी सिंह ने कहा। ये वेल, हाँ ठीक है, अच्छा, मैं, उसने बड़े नम्रता से कहा, मैं कभी कभी कुश्ती कर लेता हूँ। व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है? अनिल ने पूछा। किसने पूछा बेटा? अनिल ने पूछा। व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है? हरी सिंह, हरी सिंह नाम है मेरा। आई लाइड, मैंने झूठ बोला। मैंने झूठ बोला कि मेरा नाम हरी सिंह है। आई टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ, मैं प्रत्येक महीने नया नाम रख लेता हूँ। मैं प्रत्येक महीने अपना नया नाम ले लेता हूँ, रख लेता हूँ। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस, जो कि मुझे आगे रखता है पुलिस से, है ना, अर्थात मैं पुलिस की पकड़ में नहीं आ पाता हूँ उसकी वजह से। एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, और मेरे पहले वाले, फॉर्मर का मतलब पहले वाले, एम्प्लॉयर्स का मतलब जो नौकरी देने वाले लोग थे, नियोक्ता, मालिक, मालिक मान लो आप, है ना। तो मैं हर महीने अपना नाम बदल लेता हूँ, जिससे मुझे किस में सहायता मिलती है? मुझे ना तो पुलिस पकड़ पाती है, और ना ही मेरे जो पहले वाले जो मेरे मालिक हैं वो मुझे पकड़ पाते हैं। इसलिए मैं हर महीने अपना क्या कर लेता हूँ? नाम बदल लेता हूँ। तो इसलिए मैंने झूठ क्या कह दिया? हरी सिंह। अपना नाम क्या बताया उसने? हरी सिंह उसने अपना नाम बताया। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मैंने उसको अब जबरदस्त वाली मुस्कुराहट फेंकी उसकी ओर, जितना मैं मुस्कुरा सकता था। मोस्ट अपीलिंग स्माइल, है ना, जितना जोर से मैं मुस्कुरा सकता था वैसी मुस्कुराहट मैंने उसकी ओर फेंकी। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, अच्छा ये मैंने छोड़ दिया बेटा, है ना, ओ सॉरी, ये देखो मैं आगे चला गया, हाँ यहाँ से है बेटा, है ना। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस इंट्रोडक्शन के बाद, इस परिचय के बाद, अनिल टॉक्ड अबाउट, अनिल ने बातें की, वेल ऑयल्ड रेसलर्स, है ना, अच्छी तरह से तेल पुते हुए पहलवानों के बारे में। क्योंकि देखो पहलवान जो होते हैं ना बेटा, वो तेल लगा के रखते हैं अपने शरीरों पे, जिससे कि क्या वो पकड़ में नहीं आए, वो दूसरे की फिसल जाए उसका हाथ, है ना। तो आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस इंट्रोडक्शन के बाद, अनिल टॉक्ड अबाउट वेल ऑयल्ड रेसलर्स, अनिल ने बातें की अच्छी तरह से तेल पुते हुए कुश्तीबाजों की, पहलवानों की, हु वर ग्रंटिंग, जो कि क्या कर रहे थे? फुफकार रहे थे, जैसे होता है ना सांड लड़ते हैं दो, तो उसमें से सांस की वजह से ना फूं फूं करने की आवाज आती है, जो कि फुफकार रहे थे, है ना, ग्रंटिंग, है ना, मतलब गुर्राने जैसी आवाज निकाल रहे थे। लिफ्टिंग, उठा रहे थे, एंड थ्रोइंग, और पटक रहे थे ईच अदर अबाउट, एक दूसरे को उठा उठा के क्या कर रहे थे? पटक रहे थे। तो अनिल ने इन सब के बारे में बातें की। आई डिड नॉट हैव मच टू से, मेरे पास तो कुछ था ही नहीं कहने के लिए। आई डिड नॉट हैव मच टू से, मेरे पास कुछ ज़्यादा कहने के लिए नहीं था। अनिल वॉकड अवे, अनिल चलने लगा, वॉकड अवे यानी अनिल वहाँ से अब चल दिया। आई फॉलोड कैजुअली, मैंने भी उसका धीरे धीरे पीछा किया, यूं ही, कैजुअली का मतलब यूं ही, बिना किसी उद्देश्य के, मैंने भी उसका क्या किया? पीछा किया। हेलो अगेन, ही सेड, उसने कहा, दोबारा से हेलो आपको, अनिल ने क्या कहा? दोबारा से हेलो आपको।
आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, फिर मैंने दोबारा से जितनी जोर से मैं मुस्कुरा सकता था ऐसी मुस्कुराहट मैंने उसकी ओर फेंकी। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू आई सेड, मैंने कहा, हरि सिंह ने कहा, मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ, बट आई कांट पे यू, लेकिन मैं तुमको पेमेंट नहीं दे सकता। ये कौन बोला? अनिल बोला, बट आई कांट पे यू, लेकिन मैं तुमको पेमेंट नहीं दे सकता। तुम मेरे लिए काम तो करोगे लेकिन मैं तुम्हारे लिए क्या नहीं दे सकता? पेमेंट नहीं दे सकता, तुम्हारे काम का भुगतान मैं नहीं कर सकता। आई थॉट दैट ओवर फॉर ए मिनट, मैंने वहाँ थोड़ी देर के लिए, एक मिनट के लिए मैंने सोचा, है ना, आई थॉट दैट ओवर फॉर ए मिनट, मैंने वहाँ खड़े होकर थोड़ी देर के लिए, एक मिनट के लिए सोचा, परहैप्स शायद आई हैड मिसजज्ड माई मैन, कि क्या शायद मैंने कहीं इस मेरे आदमी को जिसको कि मैं अपना शिकार बनाना चाहता हूँ इसको मैंने गलत तो नहीं पहचान लिया। मिसजज का मतलब मैं कहीं गलत तो नहीं कर बैठा, है ना, यानी मैंने अपने इसको पहचानने में कहीं गलती तो नहीं कर दी। मिसजज का मतलब अच्छी तरह से नहीं पहचानना, ठीक है ना। आई आस्क्ड, मैंने कहा, कैन यू फीड मी, अब हरि सिंह कह रहा है ना, कैन यू फीड मी, क्या आप मुझे भोजन तो खिला दोगे। कैन यू फीड मी, क्या आप मुझे भोजन तो खिला दोगे। अब अनिल बोला, कैन यू कुक, क्या तुम पका सकते हो। कैन यू कुक, क्या तुम्हें पकाना आता है, क्या तुम पका सकते हो खाना। आई कैन कुक आई लाइड अगेन, मैंने दोबारा से झूठ बोला, हाँ मैं पका सकता हूँ। मैंने दोबारा से झूठ बोला, आई कैन कुक, हाँ मैं पका सकता हूँ। इफ यू कैन कुक, अगर तुम पका सकते हो, देन मे बी आई कैन फीड यू, अगर तुम पका सकते हो तो मैं भी तुमको खाना खिला सकता हूँ। अगर तुम पका सकते हो तो मैं भी तुमको क्या कर सकता हूँ, खाना खिला सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी, वह मुझे ले गया अपने कमरे पर, जो कि कहाँ पे था, एक मिठाई की दुकान के ऊपर था। जैसे एक नीचे होता है ना बाजार जैसे होता है, तो बाजार में क्या होता है बेटा, नीचे दुकानें होती हैं और ऊपर घर होते हैं, ठीक है ना। तो वो मुझे अपने घर, अपने रूम पर ले गया, जो कि किस पे स्थित था, एक मिठाई की दुकान के ऊपर स्थित था। एंड टोल्ड मी, और मुझसे कहा, आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, कि मैं बालकनी में सो सकता हूँ। हरि सिंह को कहा कि तुम यहाँ बालकनी में सो सकते हो। बट द मील आई कुकड दैट नाइट, लेकिन जो भोजन, मील का मतलब होता है बेटा भोजन, जो भोजन मैंने पकाया था उस रात्रि, मस्ट हैव बीन टेरिबल, वो शायद इतना भयानक था। मस्ट हैव बीन टेरिबल, है ना, वो इतना भयानक होना चाहिए, क्योंकि अनिल ने, बिकॉज क्योंकि अनिल गेव इट टू ए स्ट्रे डॉग, क्योंकि अनिल ने वो सारा का सारा भोजन एक आवारा कुत्ते को दे दिया। स्ट्रे डॉग यानी आवारा कुत्ता, है ना। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझसे कहा कि तू यहाँ से खिसक ले, यहाँ से चला जा, है ना। तो हरि सिंह कह रहा है कि बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट, लेकिन मुझे लगता है कि जिस, जो भोजन मैंने उस रात्रि पकाया था, मस्ट हैव बीन टेरिबल, वो शायद इतना खतरनाक था, इतना भयानक था, इतना बेकार खाना बनाया था मैंने, कि अनिल गेव इट टू स्ट्रे डॉग, कि अनिल ने उसे किसको दे दिया, है ना, आवारा कुत्ते को दे दिया। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझसे कहा कि तू अब यहाँ से रफू चक्कर हो जा। बट आई जस्ट हंग अराउंड, है ना, देखो हंग अराउंड हैंग अराउंड से बना है बेटा, ये हैंग की सेकंड फॉर्म हंग, है ना। लेकिन मैं वहीं मंडराता रहा, उसने कहा तो तू खिसक ले अब यहाँ से, है ना, लेकिन मैं तो वहीं मंडराता रहा। आई जस्ट हंग अराउंड, मैं वहीं मंडराता रहा, स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, है ना, मुस्कुराते हुए जितना कि ज़्यादा मैं मुस्कुरा सकता था, है ना, जितना मैं मुस्कुरा सकता था उतना मुस्कुराते हुए मैं वहीं पे ही मंडराता रहा, वहीं पे मटकता रहा। एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग, और वो अपनी हंसी नहीं रोक सका, और वो अपनी हंसी नहीं रोक सका। ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग, है ना, इसका क्या अर्थ होता है बेटा, कि वो अपनी हंसी नहीं रोक पाया। लेटर, बाद में, ही पैटेड मी, उसने मुझे थपथपाया। पैट का मतलब जैसे पीठ थपथपाते हैं ना बेटा किसी की, है ना, तो पैट पैट का मतलब क्या होता है, थपथपाना। तो लेटर, बाद में, ही पैटेड मी ऑन माई ऑन द हेड, उसने मेरे सिर पर थपथपाया, जैसे प्यार से किसी की बालों में हाथ फेरते हैं ना, तो इस तरह से थपथपाया। एंड सेड, और कहा, नेवर माइंड, बुरा मत मानना,
ही वुड टीच मी टू कुक, वह तुम्हें पकाना सिखा देगा, है ना। अनिल ने कहा कोई बात नहीं, मेरी बात का बुरा मत मानना, मैं तुमको खाना बनाना सिखा दूंगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम एंड सैड, उसने मुझे सिखाया मेरा नाम लिखना। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम, उसने मुझे मेरा नाम लिखना भी सिखाया एंड सैड, और कहा ही वुड सून, कि वो जल्दी ही टीच मी, सिखाएगा मुझे टू राइट होल सेंटेंसेस, है ना, पूरे के पूरे वाक्य लिखना वो मुझे जल्दी ही सिखाएगा। पहले तो सबसे पहले उसने क्या सिखाया, उसको नाम लिखना सिखाया उसका, है ना। और उसने कहा कि मैं जल्दी ही आपको, अनिल ने कहा हरी सिंह से कि मैं जल्दी ही तुमको पूरे के पूरे वाक्य लिखना सिखाऊंगा, एंड टू ऐड नंबर्स, और मैं तुम्हें संख्याओं को जोड़ना भी सिखाऊंगा, मैं तुम्हें संख्याओं का जोड़ भी सिखाऊंगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं बहुत कृतज्ञ था, मैं उसके प्रति क्या था, बहुत कृतज्ञ था, उसका एहसान मंद था। आई न्यू दैट, मैं यह जान गया, वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, कि एक बार बस मैं एक पढ़े लिखे आदमी की तरह लिखना सीख जाऊं। अभी भी देखो उसके दिमाग में सातिरपना घूम रहा है, है ना। आई न्यू, मैं जानता था दैट कि वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, कि बस मैं एक बार एक पढ़े लिखे आदमी की तरह लिखना सीख जाऊं, देयर वुड बी नो लिमिट, तो कोई सीमा नहीं होगी टू वॉट आई कुड अचीव, जिसे कि मैं प्राप्त कर सकता हूँ। अर्थात वो उसके मन में अभी भी सातिर चीज़ घूम रही है कि मैं एक बार पढ़ लिख जाऊंगा तो फिर क्या होगा, मैं बड़े बड़े लोगों को अपने चंगुल में फंसा लूँगा, उनके यहाँ जाके नौकरी करने लग जाऊँगा, है ना, और उनको अपने जाल में फंसा के फिर उनके यहाँ से क्या कर लूँगा, मैं चोरी कर लूँगा। तो वो कह रहा है कि मैं उसके प्रति कृतज्ञ था, अनिल के प्रति, मैं जानता था कि एक बार मैं पढ़े लिखे आदमी की तरह लिखना सीख जाऊं तो फिर जो चीज़ मैं हासिल कर सकता हूं, अचीव, अचीव का मतलब प्राप्त करना, हासिल करना, जो चीज़ मैं हासिल कर सकता हूं, प्राप्त कर सकता हूं, उसकी कोई सीमा नहीं होगी। अर्थात उस समय फिर मैं बड़े बड़े लोगों को अपना शिकार बना लूँगा। हाँ बच्चों, अब है, इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के लिए काम करना, वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के लिए काम करना काफ़ी हद तक आरामदायक था, सुखद था, है ना। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के लिए काम करना बड़ा सुखदाई था, क्योंकि अब तक पहले भी तो और बहुत से जो लोगों के पास नौकरी कर चुका है ना वो, है ना, तो तुलना कर रहा है वो, भाई अनिल के यहाँ काम करना मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह चाय बनाता था, एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज, और फिर मैं चला जाता था खरीदने के लिए दिन भर के सामान, है ना, जो दैनिक सामान होता है, दैनिक दिनचर्या का जो सामान होता है, सब्जी हो गई, है ना, परचूने का सामान हो गया, उसके लिए कह रहा है, है ना, कि मैं सुबह सुबह तो क्या बनाता था, चाय बनाता था, और उसके बाद फिर मैं दिन का सामान खरीदने के लिए बाजार चला जाता था। यूजुअली मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट ए रुपी ए डे, और अक्सर मैं प्रॉफिट कमा लेता था, लाभ कमा लेता था, अबाउट ए रुपी ए डे, एक रुपया एक दिन के हिसाब से, यानी कह रहा है कि मैं फिर सामान बाजार चला जाता था सामान खरीदने के लिए, और वहाँ से फिर मैं क्या करता था, रोज़ाना लगभग एक रुपया उसमें से कमा लेता था। कैसे कमा लेता था, यानी ज़्यादा का बताता होगा, सामान कम का आता होगा और उसको अनिल को वो क्या करता होगा, ज़्यादा का बताता होगा, ठीक है ना, इस तरह से वो हर दिन एक रुपया बना लेता था। आई थिंक ही न्यू, मैं सोचता हूँ कि उसे पता चल जाता था। आई थिंक ही न्यू, मैं सोचता हूँ कि उसे पता चल जाता था कि आई मेड ए लिटिल मनी दिस वे, कि इस तरह से मैं कुछ धन बना रहा हूँ, कि कुछ मैं इसमें से पैसा ब्लैक कर रहा हूँ, है ना। बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, लेकिन ऐसा लगता था कि वो इसको माइंड नहीं करता था, है ना, इस पर ज़्यादा वो ध्यान नहीं देता था, ऐसा मुझे प्रतीत होता है, मुझे प्रतीत होता है कि उसको पता तो चल जाता था लेकिन वो इस चीज़ पर ज़्यादा माइंड नहीं करता था। अनिल मेड मनी बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, अनिल जो था वो फिट्स एंड स्टार्ट्स के द्वारा धन कमाता था। फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है बेटा कभी घी घना तो कभी मुट्ठी चना,
है ना, ये एक कहावत है ना, इसका मतलब क्या है, कभी तो खूब सारा धन आ जाए किसी के पास और कभी लाले पड़ जाए उसके, है ना, समझ गए ना बात। तो फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब क्या होता है, नियमित रूप से आय न होना, ठीक है ना। तो अनिल फिट्स एंड स्टार्ट से धन कमाता था, यानी उसकी आय नियमित नहीं थी, इरेगुलर थी उसकी आय। ही वुड बोरो वन वीक लेंड द नेक्स्ट, वो एक सप्ताह उधार लेता था किसी से, अगला सप्ताह चुका देता था। बोरो यानी उधार लेना, लेंड यानी उधार देना, ठीक है ना। तो कई बार तो क्या करता था, वो किसी से उधार लेता था और अगली बार क्या दातार बन जाता था, अगली अगली अगले सप्ताह दूसरों को उधार देने लग जाता था, है ना। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, वो हमेशा चिंता करता रहता कि यार अगला चेक कब आएगा, अरे यार मेरा अगला चेक कब आएगा। ही केप्ट वरिंग, वो हमेशा चिंतित रहता था अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, अपने अगले चेक के बारे में। बट एज सून एज इट अराइव्ड, लेकिन जैसे ही वो आता था, जैसे ही वो चेक आता था, ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, तो वो बाहर जाता था और पार्टी करता था, है ना। तो वो बाहर जाता था एंड सेलिब्रेट, और क्या करता था, पार्टी मनाता था, ठीक है ना। तो पहले तो चिंता करता रहता था कब आएगा चेक कब आएगा, और जब चेक आ जाता था तो मस्ती में आ जाता, फिर तो वो है ना बाहर जाता घूमने फिरने के लिए और मौज करके आता था। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स, ऐसा प्रतीत होता है कि वो मैगजीन्स के लिए लिखता था। अभी हरी सिंह कह रहा है कि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, होता है कि वो जो पत्रिकाएं होती हैं, है ना, जैसे बेटा देखियो तो मैगजीन्स का मतलब से वो आती हैं, क्या नाम है, ग्रह शोभा, है ना, इस तरह की जो होती है ना सहेली पत्रिकाएं होती हैं मैगजीन्स, ठीक है ना, मंथली होती है ना, कोई 15 दिन की होती है, 40-50 रुपये की आती हैं वो, ठीक है ना, उनमें तरह तरह के लेख होते हैं। तो वो मुझे ऐसा लगता है, हरी सिंह कह रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो अनिल था वो मैगजीन्स के लिए लिखता था, है ना, पत्रिकाओं की में लेख लिखता था। ए क्वियर वे टू मेक ए लिविंग, है ना, जो कि जीवन यापन करने का एक अच्छा, है ना, तरीका नहीं था। अच्छे का मतलब ये है कि एक जो है ना वो नहीं था भाई जिसमें निश्चिंत हुआ जा सके, ठीक है ना, वो एक क्वियर वे ऑफ लिविंग था, अनसर्टेन, है ना, जो अनिश्चित हो, इस तरह का वो जीवन यापन करने का तरीका था। क्योंकि मैगजीन में लिखने से क्या ज़्यादा आय नहीं होती है, ठीक है ना, और कभी लिखने को मिल जाता है टॉपिक, कभी नहीं मिलता है, इस तरह का। अब ये उस पर डिपेंड करता है बेटा कि आप कितने बड़े लेखक हो, जो अच्छे लेखक होते हैं उनको काम मिल जाता है, जो थोड़ा कम होते हैं शुरुआत के होते हैं उनको थोड़ा काम कम मिलता है। वन इवनिंग, एक शाम, वन इवनिंग एक शाम, ही केम होम, वह घर आया, विद ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, एक छोटे नोटों के बंडल के साथ, उसके पास क्या था, एक है ना छोटा सा एक बंडल था जिसमें क्या थे, नोट थे। सेइंग, यह कहते हुए, ही हैड जस्ट सोल्ड ए बुक टू ए पब्लिशर, कि उसने अभी एक किताब बेची है, अर्थात वो किताब भी लिखता था, मैगजीन्स के लिए भी लिखता था और वो किताब भी लिखता था, कि उसने एक पब्लिशर, पब्लिशर बोलते हैं बेटा प्रकाशक को, जो किताब को छापता है, है ना, जो किताब को छापता है उसको पब्लिशर बोलते हैं। तो एक दिन क्या था, शाम को वो एक छोटा सा बंडल लेके आया नोटों का, है ना, और उसने कहा कि आज उसने एक प्रकाशक को अपनी क्या करी है, किताब बेची है, है ना, उसने एक किताब लिखी होगी और वो उसने किसको बेच दी, पब्लिशर को बेच दी। अब पब्लिशर क्या करेगा बेटा, उसको छापेगा और फिर वो किताब जब बिकेगी तो उसका मुनाफा किसको मिलेगा, पब्लिशर को मिलेगा, ठीक है ना। एट नाइट, रात्रि को, रात्रि के समय, आई सॉ हिम टक, है ना, टक का मतलब होता है घुसाना, है ना, डालना। आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा, डालते हुए द मनी, उस पैसे को जो वो बंडल लाया था नोटों के बंडल को, मैंने डालते हुए देखा, अंडर द मैट्रेस, गद्दे के नीचे, है ना, मैंने देखा कि वो जो नोटों का बंडल लेके आया था उस शाम, वो उसे किसके नीचे घुसा रहा है, जो जिस बिस्तर पर वो सोता था उसके नीचे उसने उसको पैसे को डाल दिया, है ना, उसको पुश कर दिया। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट ए मंथ, है ना, अब ये कह रहा है हरि सिंह कि मुझे अनिल के लिए काम करते हुए, आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट ए मंथ, यानी मुझे अनिल के यहाँ काम करते हुए लगभग एक महीना हो गया था। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग,
है ना, और जो मैं शॉपिंग के टाइम चीटिंग करता था, बेईमानी करता था, बताया था ना इसमें ऊपर के, वो रोजाना लगभग 1 रुपया चीटिंग के द्वारा, बेईमानी के द्वारा उस खरीदारी में से वो कमा लेता था। तो ये कह रहा है कि मुझे अनिल के लिए काम करते हुए लगभग 1 महीना हो गया था, और जो बाजार खरीदारी के समय जो मैं बेईमानी करता था उसके अलावा, अपार्ट का मतलब उसके अलावा, हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, है ना, मैंने उसके अलावा कुछ नहीं काम किया था मेरे काम की लाइन में, यानी उसका काम की लाइन क्या है, उसकी चोरी, है ना, अर्थात ये कह रहा है मैंने उसके अलावा और कुछ चोरी का काम नहीं किया था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, मेरे पास हर मौका था ये वाला काम करने का, चोरी करने का मेरे पास क्या था, हर मौका था। अनिल हैड गिवन मी ए की टू द डोर, अनिल ने मुझे दे दी थी दरवाजे की एक चाबी, अनिल ने उसको, हरि सिंह को क्या दे दी थी, दरवाजे की एक चाबी दे दी थी। एंड आई कुड कम एंड गो, और मैं आ सकता था और जा सकता था, एज आई प्लीज्ड, अपनी मर्जी के अनुसार, जैसा मुझे पसंद आए, जैसा मुझे जरूरत हो, मैं उस हिसाब से आ जा सकता था, क्योंकि अनिल ने उसको क्या दे रखी थी, घर के दरवाजे की एक चाबी दे रखी थी, तो वो चाहता तो आराम से चोरी कर सकता था, ये कहना चाह रहा है वो, है ना, कि मेरे पास हर मौका था, हर अवसर था, अपॉर्चुनिटी यानी मौका और अवसर। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, वह सबसे ज्यादा भरोसेमंद व्यक्ति था आई हैड एवर मेट, जिस जितने लोगों से भी आज तक मैं मिला, मेट यानी मिलना, है ना, जितने लोगों से भी आज तक मैं मिला उन सब में जो अनिल था वो सबसे ज्यादा भरोसेमंद व्यक्ति था, ये हरि सिंह कह रहा है। एंड दैट इज वाई, और यही कारण था, इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम, कि उसे लूटना बड़ा कठिन था। हरि सिंह कह रहा है कि वो व्यक्ति जो अनिल है, वो अब तक मुझे जितने भी लोग मिले, जितने भी लोगों के घर पे मैंने काम किया, उन सब में वो सबसे ज़्यादा, है ना, क्या था, भरोसेमंद व्यक्ति था। और यही कारण है, एंड दैट इज़ वाई, यही कारण है कि बड़ा कठिन था उसे लूटना, उसे उसके साथ चोरी करना। इट इज़ ईजी टू रॉब ए ग्रीडी मैन, है ना, अब हरि सिंह कह रहा है कि एक लालची व्यक्ति को रॉब करना, कि यहाँ डकैती डालना या चोरी करना बहुत आसान है, बिकॉज क्योंकि ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, क्योंकि वो डकैती को अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि वो तो ग्रीडी है ना, वो डकैती को क्या कर सकता है, अफोर्ड कर सकता है, अफोर्ड का मतलब सहन कर सकता है, क्योंकि फिर दोबारा से फिर कमा लेगा वो तो, है ना, दोबारा से फिर जोड़ लेगा धन। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रॉब ए केयरलेस मैन, है ना, लेकिन एक लापरवाह आदमी को के यहाँ चोरी करना क्या है, बड़ा कठिन है, अर्थात जिसने आपको सब कुछ अपना सौंप रखा है उसके यहाँ चोरी करना क्या है, बड़ा कठिन है। समटाइम्स कभी कभी ही डज नॉट इवन नोटिस ही हैज़ बीन रॉब्ड, क्योंकि कभी कभी वह नोटिस भी नहीं करता है ना, जो केयरलेस आदमी होता है, लापरवाह जो आदमी होता है, जो भरोसेमंद होता है, जो दूसरों पर विश्वास करता है ना, समटाइम्स ही डज नॉट इवन नोटिस, कभी कभी तो उसे ध्यान भी नहीं होता है कि ही हैज़ बीन रॉब्ड, कि उसकी वो चोरी उसके यहाँ हो चुकी है। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, और जब ये चीज़ हो जाती है तो फिर काम में आनंद नहीं रहता। तो वो हरि सिंह तो क्या है, शातिर है, वो कह रहा है कि कोई किसी के यहाँ चोरी मैं करता हूँ और जब वो छटपटाता है तो मुझे बड़ा मज़ा आता है, ये कहना चाह रहा है वो, है ना, कि कोई लालची आदमी है ना, उसके यहाँ मैंने नौकरी करी, है ना, और फिर मैं जब वहाँ के उसके यहाँ से चोरी करके रफू चक्कर हो गया, तो फिर जब वो छटपटाता है, तड़पता है, तो वो उससे मुझे क्या आती थी, बड़ी मज़ा आता था। लेकिन वो कह रहा है कि ऐसे अनिल जैसे जो केयरलेस आदमी हैं, है ना, इनको तो पता ही नहीं चलता कि मेरी चोरी भी हुई है, है ना, तो वो कह रहा है कि ऐसे लोगों के यहाँ चोरी करना में, ऐसे कर लोगों के यहाँ चोरी करने में मज़ा नहीं आता है, ठीक है ना। That takes all the pleasure out of the work, क्योंकि इस चोरी के काम में से वो सब आनंद को क्या कर लेता है, ले लेता है, कि वो कह रहा है कि चोरी का आनंद तभी आता है जब सामने वाले व्यक्ति को क्या हो, थोड़ा तड़पन हो। Well, अच्छा,
इट इज टाइम आई डिड सम रियल वर्क, अब समय आ गया है कि मैं कुछ काम करूं, मैं कुछ असली काम करूं, अर्थात चोरी का काम करूं। वेल, अच्छा, इट इज टाइम आई डिड सम रियल वर्क, अब समय आ गया है कि मैं कुछ असली काम करूं। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, अरे यार मैं तो भूल ही गया सब कुछ, है ना, चोरी करना ही भूल गया। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, है ना, मैं तो प्रैक्टिस ही मेरी ख़त्म हो गई। एंड इफ आई डोंट टेक द मनी, है ना, और अगर मैं इस धन को नहीं लूँगा, अगर मैं इस धन को नहीं चुराऊँगा अनिल के को, जो ये आज लेके आया है नोटों का बंडल, ही विल ओनली वेस्ट ऑन हिज इट ऑन हिज फ्रेंड। तो ये ऐसा लापरवाह आदमी है कि ये इस सारे पैसे को अपने दोस्तों पर ही खर्च कर देगा, दोस्तों पर ही क्या कर देगा, व्यर्थ कर देगा ये, है ना। तो वो कह रहा है इफ़ आई डोंट टेक ऑल द मनी, डोंट टेक द मनी, अगर मैं इस धन को नहीं लूँगा, इसको नहीं चुराऊँगा, तो ये क्या करेगा, ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों पर इसको क्या कर देगा, खर्च कर देगा। आफ्टर ऑल और ही डज नॉट इवन पे मी, और ये भी तो है कि वो मुझे पेमेंट भी तो नहीं करता है ना, महीने का जो पेमेंट होता है बस खाली खाने को देता है मुझे, तो वो अपनी इस चोरी को क्या कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है। अनिल वाज अस्लीप, अनिल सोया हुआ था, अनिल वाज अस्लीप, अनिल सोया हुआ था। ए बीम ऑफ मूनलाइट, बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी, बीम ऑफ मूनलाइट चंद्रमा की किरणें स्टेप्ड ओवर द बालकनी, बालकनी में कूद के आ रही थी, स्टेप्ड ओवर का मतलब कूद के आना, बालकनी में कूद के आ रही थी चंद्रमा की किरणें। एंड फेल ऑन द बेड, और बिस्तर पर गिर रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, मैं फर्श पर बैठ गया, क्योंकि वो बालकनी में सोता था ना। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, मैं फर्श पर बैठ गया, है ना, पहले सो रहा था अब खड़ा हो गया, एक तरह से बैठ गया, है ना। कंसिडरिंग द सिचुएशन, स्थिति को भांपने के लिए, स्थिति को भांपने के लिए, सिचुएशन यानी स्थिति, कंसिडर यानी मुआयना करने के लिए, जांचने के लिए, भांपने के लिए, वो खड़ा हो गया, उठ बैठा। इफ़ आई टुक द मनी, अगर मैं इस धन को ले लेता हूँ, इस पैसे को मैं ले लेता हूँ, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, तो मैं 10:30 बजे वाली लखनऊ एक्सप्रेस को पकड़ लूँगा। आई कुड कैच, तो मैं पकड़ सकता हूँ द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, है ना, मैं लखनऊ जाने वाली 10:30 बजे वाली जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसको मैं क्या कर लूँगा, पकड़ लूँगा, है ना, अगर मैं इसको क्या कर लेता हूँ, चुरा लेता हूँ तो। स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, कंबल में से बाहर निकलते हुए, स्लिपिंग आउट, देखो एक होता है स्लिप आउट और एक होता है स्लिप इन, स्लिप आउट मतलब बाहर निकलना और स्लिप इन का मतलब अंदर घुसना, तो कंबल में से बाहर निकलते हुए आई क्रैप्ट अप टू द बेड, है ना, मैं रेंग कर उसके बिस्तर तक गया, क्रैप क्रीप से बनाए ये, क्रैप्ट क्रीप यानी रेंगना, क्रैप्ट यानी रेंग कर गया, टू द बेड, मैं उसके बिस्तर तक रेंग के गया यानी खिसक खिसक के गया। अनिल वाज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल बहुत शांति से आनंद से सो रहा था, अनिल वाज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल बहुत पीसफुली क्या कर रहा था, सो रहा था, है ना, शांति से अनिल सो रहा था, अनिल वाज स्लीपिंग पीसफुली। हिज फेस, उसका जो चेहरा था वाज क्लियर, बिल्कुल साफ था, एंड अनलाइंड, और लाइनें नहीं थी, रेखाएं नहीं थी, तो चेहरे पर रेखाओं का मतलब क्या होता है बेटा, जब किसी व्यक्ति की चिंता होती है तो उसके चेहरे पर लकीरें दिखने लग जाती हैं, है ना, तो लेकिन वो तो अलमस्त आदमी था अनिल तो, है ना, तो हिज फेस वाज क्लियर एंड अनलाइंड, उसका जो चेहरा था वो बिल्कुल स्वच्छ और साफ था, और उसके चेहरे पर कोई सिकन नाम की चीज़ नहीं थी। Even I had more marks on my face, यहाँ तक कि मेरे चेहरे पर ज़्यादा निशान थे, है ना, हरि सिंह कह रहा है even, हालांकि I had more marks on my face, हालांकि मेरे चेहरे पर क्या थे, ज़्यादा निशान थे, मेरे चेहरे पर ज़्यादा निशान थे, though mine were mostly scars, यद्यपि मेरे जो थे वो ज़्यादातर उनमें से जो चेहरे पर मेरे जो निशान थे वो क्या थे, स्कार्स थे, खरोंच के निशान थे, है ना, मारपीट लग झगड़ा लड़ाई होती तो आपस में क्या नोचा खोची हो जाती ना, तो नोच खोच के निशान मेरे ज़्यादा थे।
माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट्स, मेरा जो हाथ था वो स्लाइड कर दिया मैंने, घुसा दिया उस, मैंने अपना हाथ उस बिस्तर के गद्दे के नीचे डाल दिया। सर्चिंग फॉर द नोट्स, और मैं नोट्स को ढूंढने लगा, नोटों को ढूंढने लगा। व्हेन आई फाउंड देम, जब मैंने उन्हें पा लिया, जब मुझे वो मेरी पकड़ में आ गए, आई ड्रू देम आउट विदाउट ए साउंड, तो मैंने बिना आवाज़ किए उनको ड्रू आउट कर लिया, बाहर खींच लिया, मैंने उनको बाहर खींच लिया। अनिल साइड, अनिल ने गहरी सांस छोड़ी, है ना, गहरी सांस लेना और गहरी सांस छोड़ना, उसको शाई बोलते हैं, SIGH, साई। अनिल साइड, अनिल ने गहरी सांस ली इन हिज स्लीप, सोते सोते। एंड टर्न्ड ऑन हिज साइड टूवर्ड्स मी, और उसने मेरी ओर करवट ले ली, ये लो, जिधर वो हाथ दे के निकाल रहा है ना पैसों को, उधर की तरफ ही अनिल ने क्या ले ली, करवट ले ली, सोते सोते। आई वाज स्टार्टल्ड, मैं थोड़ा सा क्या हो गया, है ना, चौंकन्ना हो गया, है ना। एंड क्विकली, और जल्दी से, क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, है ना, रेंग कर, है ना, क्राउलिंग और क्रीपिंग एक ही चीज होती है ना, और मैं जल्दी से रेंग कर, है ना, कमरे से बाहर आ गया, और मैं जल्दी से रेंग कर कहाँ से, कमरे से बाहर आ गया। When I was on the road, जब मैं सड़क पर था, I began to run, मैं दौड़ने लगा। I had the notes at my waist यानी कमर, held there by the string of my pajamas, पायजामा तो पता ही होगा, पजामा जो होता है, पायजामा, वो string यानी नाड़ा, है ना, तो तुमने देखो ना बेटा, जो कुछ लोग होते हैं वो नाड़े में ऐसे पैसों को लपेट लेते हैं, है ना, राउंड 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 करके, ठीक है ना, उसको गोल गोल करके उसमें नाड़े में क्या कर लेते हैं, लपेट लेते हैं। तो आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट, है ना, मैंने उन नोटों को, मेरी जो कमर है ना, उस पे मैंने जो पजामा पहन रखा था उसके नाड़े में उनको क्या कर लिया, दबा लिया, खोंस लिया उनको। आई स्लोड डाउन टू ए वॉक एंड काउंटेड द नोट्स, मैं थोड़ा सा अपनी रफ्तार को मैंने धीमा किया, आई स्लोड डाउन टू ए वॉक, है ना, मैं जैसे पैदल चलते हैं ना, इतना मैं धीमे हो गए, तो पहले तो दौड़ रहा था वो, है ना, तो जितना चलते हैं मैं उतना थोड़ा सा क्या हो गया, धीमे हो गया। एंड काउंटेड द नोट्स, और मैंने उन नोटों की क्या करी, गिनती करी, 600 rupees इन 50s, है ना, 50-50 के कितने थे, 600 rupees थे, है ना, उस जमाने में बेटा 600 rupees आज के ये मान के चलो कि कोई 10-20,000 rupees के बराबर होंगे, ऐसे समझ लो आप लोग, है ना, या 50-60,000 rupees के बराबर मान लो आप, ऐसे समझ लो, ठीक है ना, तो 600 rupees इन 50s, है ना, या 20-30,000 rupees मान लो, ऐसे समझ लो आप, है ना, तो कितने रुपए थे वो, 50-50 के नोट थे, और कुल मिला के उनकी जो कीमत थी वो कितनी थी, 600 rupees थे वो, 50-50 के 600 थे, इसका मतलब कितना हो गया, कितने नोट हो गए, 50-50 के अगर लोगे आप, और 600 नोट थे, ठीक है ना, तो 12 नोट हो गए ना, इतने नोट थे। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर ए वीक और टू, है ना, मैं इन पैसों से तो, क्योंकि ये बेटा बहुत बड़ा धन है उस जमाने में, समझ रहे हो ना, यानी आज का जो 100 rupees हैं उस जमाने में उसके 1 rupee के बराबर हुआ करते थे, ठीक है ना, तो वो कह रहा है कि इन पैसों से तो मैं, आई कुड लिव, मैं रह सकता हूँ, लाइक एन ऑयल रिच अरब, है ना, ऑयल रिच अरब का मतलब बेटा देखो, अरब में एक कैपिटल आ रहा है, तो ये जो अरब देश हैं, अरब कंट्रीज हैं, है ना जैसे इराक, ईरान, सऊदी अरब, है ना, यहाँ पे क्या बेटा, तेल निकलता है कुओं के अंदर, है ना, तो वहाँ, और तेल की डिमांड पूरे संसार में है, तो वो क्या करते हैं, तेल बेचते हैं पूरे संसार को, तो उन लोगों को के पास में बहुत सारा धन होता है, तो बड़े अमीर लोग होते हैं वो, ठीक है ना, तो ये कह रहा है, आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर ए वीक और टू, कि इन पैसों से तो मैं 1-2 सप्ताह तक आराम से, जो अमीर होते हैं, है ना, अरब जो होते हैं ना, ऑयल रिच अरब, उनकी तरह मैं ऐस आराम कर सकता हूँ, उनकी तरह मैं सानो शौकत से रह सकता हूँ। When I reached the station, जब मैं स्टेशन पर पहुँचा, है ना, तो वो रास्ते में रुक के गिने थे ना उसने,
When I reached the station, जब मैं स्टेशन पर पहुंचा, I did not stop at the ticket office. तो मैं टिकट खिड़की पर रुका ही नहीं. टिकट विंडो होती है ना, तो मैं टिकट खिड़की पर रुका ही नहीं. I had never bought a ticket in my life. मैंने अपने जीवन में कभी टिकट खरीदा ही नहीं था, है ना. I had never bought, बॉट यानी बाई की सेकंड फॉर्म ना बेटा ये बॉट. मैंने कभी खरीदा ही नहीं था टिकट मेरे जीवन में, इसीलिए उसको आदत ही नहीं थी, इसलिए वो रुका ही नहीं उस पर टिकट खिड़की पे. बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, और मैं सीधा ही प्लेटफॉर्म पर जा धमका. डैश डैश का मतलब पहुंच गया, तेजी से पहुंचना. सीधा ही कहां पर, प्लेटफॉर्म पर सीधा ही जाके पहुंच गया. द लखनऊ एक्सप्रेस वाज जस्ट मूविंग आउट. जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचा तो लखनऊ जो एक्सप्रेस थी जो 10:30 बजे वाली, वो जस्ट चलना ही शुरू किया था उसने. वाज जस्ट मूविंग आउट, वो जस्ट बाहर निकल ही रही थी, प्लेटफॉर्म से चलना ही उसने शुरू किया था. द ट्रेन हैड स्टिल टू पिकअप स्पीड, ट्रेन को अभी स्पीड पकड़ना बाकी था, है ना. बिल्कुल जस्ट उसने चलना ही शुरू किया था, तो अगर वो चाहता तो आराम से उसमें क्या करता था, कर सकता था, चढ़ सकता था. द ट्रेन हैड स्टिल टू पिकअप स्पीड, ट्रेन को अभी स्पीड पकड़ना बाकी था. एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जम्प इन टू वन ऑफ द कैरेजेस, है ना. कैरेज मतलब डिब्बा, जो कंपार्टमेंट होता है ना, जो डिब्बा होता है ट्रेन का, रेलगाड़ी का, उसको कैरेज बोलते हैं, ठीक है ना. तो ये कह रहा है कि ट्रेन ने को अभी स्पीड पकड़ना बाकी था, और आई शुड हैव बीन एबल, और मैं आराम से जंप करके, है ना, कूद के और किसी भी एक डिब्बे में चढ़ सकता था. बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मैं झिझक गया. बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मैं क्या हो गया, झिझक गया. फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन, किस कारण से झिझका ये मैं नहीं बता सकता. यानी पता नहीं क्या हुआ मेरे अचानक उस समय कि मैं झिझक गया और मैं उस ट्रेन में नहीं चढ़ा. एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैंने भाग निकलने का, गेट अवे यानी भाग निकलने का, बच निकलने का जो चांस था वो मैंने खो दिया, अर्थात वो जो ट्रेन थी वो निकल गई. तो ये कह रहा है मैं चाहता तो आराम से उसमें क्या कर सकता था, चढ़ सकता था, है ना, क्योंकि उसने अभी स्पीड नहीं पकड़ी थी, लेकिन पता नहीं मुझे क्या हुआ, है ना, मैं उसमें नहीं चढ़ा. पता नहीं क्या झिझका मैं, क्यों झिझका, उस कारण को मैं नहीं बता सकता, है ना. और इस तरह से मैंने बच निकलने का यानी वहां से भाग निकलने का चांस क्या कर दिया, खो दिया. When the train had gone, जब ट्रेन चली गई, I found myself standing alone on the deserted platform. मैंने पाया अपने आप को खड़े हुए अकेले वीरान प्लेटफॉर्म पर. डेजर्टेड का मतलब वीरान, है ना, जहाँ पे अब जब ट्रेन चली थी तो बिल्कुल खाली हो जाता है ना प्लेटफॉर्म, तो खाली मान लो, वीरान मान लो, ठीक है ना. तो जब ट्रेन चली गई, मैंने अपने आप को वीरान प्लेटफॉर्म पर पाया. आई हैड नो आइडिया, मेरे दिमाग में कोई विचार ही नहीं आ रहा था. वेयर टू स्पेंड द नाइट, कि मैं रात कहाँ बिताऊँ, कि मैं अब रात कहाँ बिताऊँ. आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरे कोई दोस्त भी नहीं थे. बिलीविंग दैट, मैं ये विश्वास करता था कि फ्रेंड्स जो होते हैं, फ्रेंड्स बार मोर ट्रबल देन हेल्प, कि दोस्तों से जो हेल्प मिलेगी उसके बजाय उनसे नुकसान ज़्यादा होगा, क्योंकि पकड़वा देंगे ना वो दोस्त जो है ना चोरी में, है ना, तो वो किसी को दोस्त बनाता ही नहीं था. तो आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरे कोई दोस्त नहीं थे. बिलीविंग दैट, मैं ये विश्वास करता था कि फ्रेंड्स बार मोर ट्रबल देन हेल्प, कि जो दोस्त होते हैं ये बजाय मदद के क्या होते हैं, परेशानी ज़्यादा पैदा करते हैं. एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस, और मैं किसी को संदेह नहीं करवाना चाहता था. क्यूरियस का मतलब संदेह, उत्सुक. मैं किसी को संदेह भी नहीं करवाना चाह रहा था, किसी को उत्सुक नहीं बनाना चाहता था. बाई स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स, है ना, रुक कर, कि मैं रुक जाऊँ, है ना. मैं वो कह रहा है कि मैं चाहता तो क्या करता, किसी होटल में रुक सकता था, लेकिन वो कह रहा है कि मैं किसी को संदेह नहीं करवाना चाहता था अपने ऊपर, है ना. एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस, मैं किसी को संदेह नहीं करवाना चाहता था. बाई स्टेइंग रुक कर एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स, किसी छोटे होटल में, वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन, रेलवे स्टेशन के पास जो छोटे छोटे होटल थे, चाहता तो मैं उसमें रुक जाता. तो लेकिन ये कह रहा है हरी सिंह कि मैं किसी को ये नहीं चाहता कि कोई मेरे ऊपर क्या करे, संदेह करे. द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल,
केवल एक व्यक्ति से मैं अच्छी तरह जानता था, द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल, अकेला एक आदमी जिसे मैं अच्छी तरह जानता था, वाज द मैन, वो व्यक्ति था आई हैड रॉब्ड, जिसकी कि मैंने चोरी कर ली, अनिल, है ना। तो ये कह रहा है कि केवल एक व्यक्ति था जिसे मैं अच्छी तरह जानता था, लेकिन उसके यहाँ मैंने क्या कर ली थी, चोरी कर ली थी, अब उसके यहाँ मैं जा नहीं सकता, ठीक है ना। तो इस तरह के विचार उसके दिमाग में आ रहे हैं। लीविंग द स्टेशन, है ना, स्टेशन छोड़ते हुए, है ना, स्टेशन को उसने छोड़ दिया। आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाजार, मैं धीरे धीरे बाजार में से जाने लगा। स्टेशन के आगे जो बाजार था, है ना, तो वो कह रहा है मैं स्टेशन से बाहर निकल आया और बाजार में होके जाने लगा। ठीक है बच्चों, तो बेटा देखो अब ये इतना बच गया आपका, ये यहाँ से लेके और यहाँ तक, और अपन इसके क्वेश्चन आंसर्स भी अगले वाले वीडियो में करेंगे। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल बेटा।